सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चल रहे हेल्थ केयर वोकेशनल कोर्स के ट्रेनरों पर नौकरी जाने की तलवार लटक गई है। डाइट हमीरपुर ने पत्र जारी करके संबंधित स्कूल प्रिंसिपल को कहा है कि 1 अप्रैल से ट्रेनरों को स्कूल में सेवाएं न देने के लिए कह दें। हेल्थ केयर वोकेशनल कोर्स को जिस कंपनी जरिए चलाया जा रहा था, उस कंपनी ने इस प्रोजेक्ट से खुद को अलग करने के लिए स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिसर शिमला को नोटिस दे दिया है। MIHER कंपनी इस समय हमीरपुर, कांगड़ा और बिलासपुर के दर्जनों सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में इस कोर्स को ट्रेनरों के मार्फत चला रही है। अब नई कंपनी को अलग से इसे सौंपा जाता है तो ऐसे में मौजूदा ट्रेनरों का क्या होगा, इसे लेकर ट्रेनर बीच में लटक गए हैं। डाइट गौना करौर ने हमीरपुर में पत्र में कहा है कि जिले के जितने भी स्कूलों में हेल्थ केयर के वोकेशनल कोर्स चल रहे हैं, वहां पर पढ़ने वाले ट्रेनरों को 1 अप्रैल से संस्थान में सेवाओं के लिए न आने दिया जाए। पत्र में ये भी कहा गया है कि MIHER कंपनी ने स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिसर को नोटिस देकर कहा है कि वो इस प्रोजेक्ट से अलग हो रही हैं और 31 मार्च को पूरा होने के बाद वो इस कोर्स को संबंधित जिलों में नहीं चलाएगी। 16 साल से ऊपर के स्टूडेंट को इसमें कौशल विकास भत्ता देने का भी प्रावधान है। हेल्थ केयर का वोकेशनल कोर्स 3 जिलों में चल रहा है, जिनमें हमीरपुर में 23, कांगड़ा में 27 और बिलासपुर के 13 स्कूल शामिल हैं। इन स्कूलों में करीबन 150 ट्रेनर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 9वीं से जमा 2 तक के स्टूडेंट को हेल्थ केयर का ये कोर्स करवाया जाता है। 1 स्कूल में कम से कम 25 स्टूडेंट इस कोर्स को कर रहे हैं। अब यह कोर्स आगे नई कंपनी को देकर चलाया जाएगा या इसके बारे में क्या किया जाएगा, अभी तक कोई जानकारी नहीं है। सैकड़ों स्टूडेंट इस कोर्स को कर रहे हैं। उत्तर कंपनी के पास इन 3 जिलों में इस कोर्स को चलाने का कॉन्ट्रैक्ट था। डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन शिमला से पत्र आया है, इसमें कहा गया है कि जो कंपनी हमीरपुर और दूसरी जगहों पर हेल्थ केयर वोकेशनल कोर्स चला रही है, उसने स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिसर को नोटिस देकर प्रोजेक्ट से अलग होने को कहा है। 1 अप्रैल से इस कोर्स को करवाने वाले ट्रेनरों को भी स्कूलों में न आने को कहा गया है। संबंधित स्कूल प्रिंसिपल को इस बाबत पत्र जारी कर दिया गया है।